अच्छे दोस्त ख्वाजा औन साहब की अफ्तार है भाई। अफ्तारियां अभी मजा आएगा ना। यहाँ पे अफ्तारियों की लाइनें लग चुकी हैं और इतना मजा आ रहा है अफ्तारी खा खा के। ओहो अभी यार हम कुछ दूर चले और हमारा पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल जो है वो एंड हो गया। और ये देखे मैं अपने कपड़े इस्त्री वाले भी चिराग सिंह उजैर सिंह रावत साहब और ये मैं हम पहुंच चुके हैं। ये इफ्तारी का सामान भी आ चुका है। बस एक दो दोस्त और आने वो आ जाते हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं। और मेरी आवाम से अपील है कि इनको सब्सक्राइब करें। सर बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। ठीक है ना, ये खास ये तो हमेशा हमारे व्लॉग में एक चैनल स्टार्ट करना है। अच्छा तो यार दो क्या हुआ सही। हाँ प्लीज मंडे वाले दिन कर लो, संडे कर लो यार। मैं कहना है वो गाइस अस्सलाम वालेकुम, कैसे यार आप सब। अच्छा यार ठीक है यार आप सब। यार मैं कैसे बोल रहा हूँ यार। असल में बात ये है कि हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम ऐसे भी बोल सकता हूँ मैं निकल। हेलो गाइस अस्सलाम वालेकुम। अच्छा यार बात कुछ यूँ है कि आज अपने एक अजीज़ दोस्त अकारिब और बेहतरीन और अच्छे दोस्त ख्वाजा औन साहब की अफ्तार है। भाई अफ्तारियां यहाँ पे अफ्तारियों की लाइनें लग चुकी हैं और इतना मजा आ रहा है अफ्तारी खा खा के। क्या बात है सर। खा खा के अफ्तारी के बाद बंदा गिर जाता है, डुल जाता है। आज ख्वाजा औन साहब की इफ्तारी शेख साहब और ख्वाजा साहब वो एक गली का फ़र्क है ना, तो वो शेख ख्वाजा मिक्स हो जाता है। तो ख्वाजा औन साहब की इफ्तारी, फिर शेख जैन साहब की इफ्तारी, फिर ख्वाजा उनैस साहब की इफ्तारी, फिर जो है चिराग सिंह की इफ्तारी, फिर जो है उजैर शाह की इफ्तारी। मजाक कर रहा हूँ। तीन इफ्तारी एक साथ हैं, ख्वाजा शेख ख्वाजा, ख्वाजा शेख ख्वाजा, ख्वाजा ऊपर बन, दरमियान में जो है वो पैटी जो है वो शेख, और फिर नीचे से ख्वाजा, ख्वाजा शेख। अरे कहना क्या चाहते हो। मैं पता नहीं क्या बोलना चाह रहा हूँ, बस जो बोलना चाह रहा हूँ आप समझ लें कि तीनों इफ्तारी हैं। और आपको दिखाते हैं आज की, कल की और परसों की इफ्तारी। आज है मेरे साथ, मैं अभी जा रहा हूँ नहाने, चलते हैं। नहीं 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 ऐसा नहीं करते गंदे बच्चे। कौन कौन जाएगा, मैं किसके साथ साथ नहाऊंगा। तो मैं जाता हूँ नहाता हूँ चेंज करता हूँ उसके बाद चलते हैं। फिर हाँ जी। तो यार मैं यार ये आपको समझ आ गई होगी हम बाइक पे। अभी रोज़ा इफ्तार का टाइम है और ये आप चेक करें पीछे से व्यू, लाइट सही नहीं आएगी। मैं रेडी हो चुका था, अभी समीर भाई आ चुके थे मुझे लेने। हम जा रहे हैं खुद शरीफ ख्वाजा औन साहब की इफ्तारी पे। और ये देखें गंदम बस रेडी है, कुछ दिनों में आ जाए ऐसे समीर भाई। और ये समीर भाई है हमारे दोस्त और हमारे कज़न और हमारे एक मिनट यार। ओहो ओहो सारे ने मोटरसाइकिल होता ना, मैं तेरे को दसा रेस लावा मैं तेरे नाल। ये यार रेस लगा के जा रहे थे तो अभी हम पहुंचते हैं उच्चरी वहाँ पे। जी क्या कह रहे हैं? कुरान का जूस लेना है। कहाँ से? कुरान का जूस भी हाँ लेते जाए। यार तुमने अब तक क्या किया है? अच्छा यार ये साथ साथ नहरें, साथ साथ रोड और साथ साथ बाग, क्या ही बात है। और ये हमारा आमों का बाग, ये वाला आ जाओ हड्डी से सामान ले। ये हड्डी हमारी एक यार बस्ती का अड्डा है, अड्डा है बस्ती का। तो ऐसे ही समझ भाई बस्ती का अड्डा ऐसे कहते ना, बस्तियों में जैसे एक अड्डे बने होते हैं जहाँ पे दुकानें होती हैं बहुत सारी, सदर है उसको हम हड्डी कहते हैं। बहुत चीज़ें सामान लेके बैठा जाते हैं वहीं पर पहुँच के आपको पता नहीं। अभी यार हम कुछ दूर चले और हमारा पेट्रोल ख़त्म हो गया। पेट्रोल जो है वो एंड हो गया। ये देखे मैं अपने कपड़े इस्त्री वाले भी साथ लेके फिर रहा हूँ ये रोड पे। यार यहाँ पे ये बरल ये कि बस्ती में ये सुकून होता है। यहाँ से व्यू चेक करें, सनसेट चेक करें, इधर से ये नहर चेक करें और यहाँ पे हमें चेक करें,
और वो हमारा दोस्त जो है कजन वो पेट्रोल डलवाने गया और हम पैदल जा रहे हैं। ये वैसे मैं पैदल जा सकता हूँ अगर मुझे रोजा ना हो। झूठ बोल रहा है। तो जैसे पेट्रोल डलवा के आता फिर निकल चलते हैं। तो आए फिर थक गया हूँ यार, रोजा है ना तो वो हो रहा है, चिपचिपाटा हो रहा है। क्या क्या बोला तूने? चिपचिपाटा हो रहा है। चला आ भाई यार ये नीचे से पाँव नजर आ रहे होंगे यार उसके, ये समीर भाई। चले यार चलते हैं वहाँ पहुँचते हैं फिर बताते हैं। हाँ सी सटवा के तुम्हें आ गए यार, वाह बहुत जल्दी। Six and a half hours later. यार ये चिराग सिंह, उजैर सिंह राव साहब और ये मैं, हम पहुंच चुके हैं। ये इफ्तारी का सामान भी आ चुका है, बस एक दो दोस्त और आने हैं, वो आ जाते हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उसके बाद इफ्तारी। और इफ्तारी क्या क्या है चिराग सिंह? चना चाट है इसमें, चना चाट, वाह फ्रूट चाट है, वाह। और ये क्या चिराग सिंह? ये सैलेड है, वो थोड़ा सा उठाइएगा सर, दिखा दें एक बार। सालन है रफ्तारी तो आ चुकी है, दोस्तों ने आना है, वो बताया पूरे तो नहीं होंगे भाई, शेख साहब दो, शेख साहब एक काजल साहब और ये हमारे यार इफ्तारी वाले पार्टनर है, ये बहुत मसरूफ चल रहे हैं यार, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं। तो बात तो सही है यार, इफ्तारी हो चुकी है, अभी हर इफ्तारी पे थोड़ी थोड़ी लड़ाई होने लग जाती है, तो सीधा कि जिंदा बजे तक व्लॉग का मसला है। अभी ये देखे ये सेटिंग हो रही है उजैर सिंह, शेख साहब भी आ गए थे, राव साहब, शेख साहब आ गए थे। आप तबीयत का सुना है रात यार, आपकी तबीयत ठीक है? चलो अल्हम्दुलिल्लाह। और खाज साहब नाराज नहीं हुए यार, कोई मसला नहीं, इफ्तारी है दोस्त। मैं कुछ नहीं कहता चिराग सही, और ये हमारे इफ्तारी वाले दोस्त ठीक है। और कल जो है वो शेख साहब की इफ्तारी, शेख साहब इधर ही है शरीफ में। चले यार ये इफ्तारी का सामान भी जा चुका है, आखिरी समय बचे थे। खाज साहब कल लाजमी आइएगा, दुकान को मेहरबानी थोड़ा सा अलविदा कह दीजिएगा। जरूर समझिए। यार दुकान के नाम पे तुम घबरा जाते हो, क्या है खाजा? खाजा पहले कारोबार बाद के पैसा है। आहा एक घर और चले से मिलो आगे। मैं ये गाल की थी आप। चले यार चलते हैं यहाँ से, राव साहब आपके पास है पहले ही कहीं है। हाँ से यार ये तो बात सही है, ये तो सही कहते हैं, ये बात सही कह रहे हैं, इधर ही बैठते हैं, चाय भी पीते हैं यहाँ पे। हाँ हाँ जी, तो यार कैसे हैं आप सब? अच्छा यार मसला कुछ ये है कि मसला तो कोई भी नहीं है, बस एनर्जी लेवल बहुत डाउन है, डाउन से भी डाउन है। और पता नहीं क्यों आज मैंने सहरी करके ऐसे सोने लगा और मुझे खुशकियाँ और रोज़ा लगने लगा, और तब से सही वाला लग रहा है और एनर्जी बिल्कुल डाउन है। और आज शेख जैन साहब की इफ्तारी है, तो वहाँ पर जाना है, 10-15 मिनट रहते हैं, राव साहब आ रहे हैं उनके साथ, फिर चलते हैं वहाँ पर, वो शायद उधर ही आ जाएंगे मेरे करीब है, मैं पैदल ही जाऊंगा, तो आ जाएं फिर। हाँ देखते हैं, मैंने कल वाला व्लॉग भी एंड नहीं किया था खाज साहब की इफ्तारी, और नेक्स्ट फिर खाज साहब की इफ्तारी है, खाजा उनैस साहब की, तो उसके बाद इसको एंड करेंगे, सही है ना यार? नहीं तो मैं पैदल ही चल के जा रहा हूँ, ये बस ये घर से लेके ये अभी यहाँ पर आपको ये जो रोड दिखाई दे रही है, ये मैं ऊपर चढ़ूँगा और अपना इफ्तारी की जगह आ जाएगी, वेन्यू आ जाएगा, तो वेन्यू पे शेख साहब तो खड़े हैं, शेख साहब ने बोला आप आ जाएं और बाकी दोस्त भी आ रहे हैं, तो बस ये रूढ़ी जो आप ये रूढ़ी दिख रही है ना, इस रूढ़ी के साथ वाली जो ये रोड है, ये ऊपर मैं यहाँ से दिखाता हूँ आपको, शेख साहब शायद ही सामने ठहरे हों। आज यार एनर्जी बहुत लो है भाई, बहुत लो है। वो शेख की गाड़ी ये
12 seconds later. अच्छा यार मैं पहुंच चुका था, तो ये है कि यहाँ पे सामान तो पूरा आ चुका है और दोस्त भी पूरे आ चुके हैं, नहीं एक दो दोस्तों की कमी है, वो अभी तक आ जाएंगे। और जैन यूनी का वेट कर रहे हैं और कुछ खाने का सामान भी आना है उसका भी देख रहा है। A few moments later. चले यार अजान तो हो चुकी है और ये उठाते हैं ये फ्रूट चाट नहीं दही पले मैंने कहा सब भी फ्रूट चाट है और बाकी इसमें खाना है, राइस है और सालन वगैरह है। तो बस इफ्तारी करते हैं, इफ्तारी चल भी रही है और कर भी रहे हैं और दोस्त है लोग सब मसरूफ हो गए खाने पीने में। चले यार इफ्तारी तो हो चुकी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, खा पी के सेट होके एक साइड पे होके बैठ गए हैं और ये कुछ दोस्त अभी खा रहे हैं, बोतलें चल रही हैं। और शेख साहब जिनकी इफ्तारी थी ये शेख साहब हैं अपने और राव साहब लेट चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह। यार ये आपको दिखाई हमने इफ्तारी, शेख साहब के अभी नमाज पढ़ने आए हुए थे, ये राव साहब भी हमारे साथ, ये बोलते नहीं आजकल थोड़े नखरों में आए हुए हैं, खैर सेट हो जाएंगे थोड़ा भाई, इफ्तार करके हिम्मत इनकी नहीं होती यार, तो थोड़ा थोड़ा इफ्तार किया करें आप भी। तो ये सामने वो दोस्त वगैरह सारे बैठे अभी चाय पीने जाएंगे, उसके बाद देखते हैं। होप सो राव साहब आज नहीं कहेंगे मैंने घर जाना, राव साहब घर जाना है आपने, यार बैठो यार नहीं किया करो तुम्हें कसम है। तो अभी देखते हैं आगे क्या सीन होता है, हिम्मत नहीं होती यार कोर्ट से आके फिर वापस, कोर्ट से आके हिम्मत नहीं होती। हाँ वैसे ये बात है, हम तो सोए रहते हैं 2-3 बजे उठते हैं, ये सुबह सुबह उठ के फिर कोर्ट जाएंगे, वहाँ से आएंगे, गर्मी बहुत मसला तो है यार, बात तो सही है। ये देखिए दोस्तों की बाइक वगैरह, वो गाड़ी ये सब यहाँ पे बैठे हुए आ जाएंगे यार वहाँ से सारे दोस्त। अभी हम वही अपना होटल मलिक वाला जहाँ पे सैरी करते हैं, अभी यहाँ पे चेयर रखवाते हैं, चाय वाय का सीन करते हैं, दूसरे दोस्त पीछे रह गए राव साहब और मैं, राव साहब ने बाइक भगा ली, वो आते हैं तो फिर चाय पीते हैं। ये थी आज की हमारी इफ्तारी, फिर लास्ट एक इफ्तार रहता है वो दिखाएँगे आपको, खुद भी देखेंगे क्या सीन होता है। आज तो मज़ा आया बहुत ज़्यादा, बस यहाँ पे चेयर रखवा दें, एक फैमिली हॉल है, यहाँ पे बिरयानी बड़ी अच्छी मिलती है यार, ये बुखारी बिरयानी ये देखें। तो दोस्त राव साहब उधर बैठना, ये चेयर रखवाएं, सो जाओगे ना यहाँ पे, सोते हो कांट सीधी थी वैसी। 2000 years later. ये चौधरी साहब और कायस साहब और शेख साहब ये आ चुके हैं, ये भी बस बाकी हम भी आ चुके हैं, तो यहाँ पे बैठते हैं चाय वाय पीते हैं, चाय का सीन है। ऐसी ओबले शेख साहब वो भी आ रहे हैं, ये चौधरी साहब भी आ गए। चौधरी साहब ठीक है आप, तब जैसे ठीक है आप, मैं आपको बड़ा फैन हूं, हाय हाय इतना सुकून। मेरी आवाम से अपील है कि इनको सब्सक्राइब करें सर, बहुत अच्छी मेहनत करते हैं सर, यहाँ बहुत शुक्रिया। ये तो हमेशा हमारे व्लॉग में चैनल स्टार्ट करना है। अच्छा कौन सा है, किस नाम से कहता भाई आखिर यार मैंने बोला है वो जरा पीओ आके गए, वो जो आपके अब्बू कह के गए हैं व्लॉग में क्या कर रहे हैं कर रहे हैं बोला असल यार, वो जो आपके अब्बू कह के गए नाम, उनका नाम आप नहीं लेते, आके तो हुए खोल रहे हमने तो खोला हुआ है, हमने तो खोला हुआ, हमारा तो चैनल है, लेकिन अगर उसको लिख दिया जाए तो मेरे को पता है तो यार दो यार क्या हुआ, क्या हुआ ऐसा भूकंप कर सही, प्लीज मंडे वाले दिन कर लो, संडे कर लो यार, पर मैं कहना सकता हकीकत मैं नहीं यार, इनके इफ्तारी हमने रखी हुई है, एक रूटीन रखी हुई है ना, लेवल की क्या कौन सी मजे की होगी, मजे की होनी भी चाहिए, लेकिन सुनो मैं ना यही जैसे आपका है ना, आपने अफ्तार का सेटअप बनाया वही का वही रख यार, वही होना चाहिए, हर चीज होनी चाहिए, मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ एतवार रख लें मेहरबानी, आप लोग कमेंट्स में रिक्वेस्ट कर दें ही कुक अल्लाह दावे करो यार। तो देख लिया आपने यहाँ पे व्लॉग को एंड करना पड़ रहा है, करने वाला मैं नहीं था क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि ख्वाज साहब की जो है ना इफ्तार वो आने वाली थी इसी व्लॉग में ख्वाज साहब, लेकिन आपने क्या किया है कि एक दिन आगे बढ़ा दिया आपने इफ्तारी का, अब आपकी संडे थी ना,
मंडे को, तो इनका फिर व्लॉग एक और बना लेंगे ईद के साथ। तो ये था आज का हमारा दिन, बड़ा मज़ा आया, अच्छी अच्छी इफ्तारियाँ चल रही हैं, अच्छे अच्छे रोज़े चल रहे हैं, एनर्जी लेवल अभी भी डाउन है, कैसे खाज साहब? बिल्कुल फुल डाउन है। खाज साहब हमारे साथ है, अभी रात के 12 का टाइम है, शेख साहब घर गए, अभी तक हम घर नहीं गए, इफ्तारी के लिए निकले, बस चलते हैं इसके बाद 10-15-20 मिनट है, आधा घंटा, बाय बाय फिर, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़। आप भी सर, अल्लाह हाफिज़, बाय, हाथ पीछे आपका।